नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हमारे पीछे हम आपको बता रहे हैं प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरना प्रदर्शन की जो मांगे हैं, वी डिमांड टेम्पल प्रोटेक्शन इन कश्मीर थ्रू एन एक्ट फॉर ऑर्डिनेंस, यानी कि कहा गया है कि साथ ही साथ बताना चाहेंगे लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन टू टेंपल्स एंड श्राइन्स विल बी सीबीएम फॉर राउंडिंग आउट केपी कम्युनिटी। कश्मीर में हमारी धरोहर, हमारे मंदिरों को बचाओ, अफवाह अवकाश व गुरुद्वारा एक्ट के तहत हमारे मंदिरों को संरक्षण दो। मंदिर बिल पास करो, पास करो। मंटू को कश्मीर लेना है, मंटू को बचाना है। मंटू को कश्मीर लेना है, मंटू को बचाना है। मंटू को कश्मीर लेना है, मंटू को बचाना है। हमारी धरोहर को बचा लो, बचा लो। मांगे हैं इनकी कि इनकी धरोहरों को कहीं ना कहीं बचाया जाए और मंदिर बिल को पास करने की मांग को लेकर प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से यहां पर धरने प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग मांग कर रहे हैं जो इनकी धरोहर है मंदिरों की, कहीं ना कहीं उनको जो कि मंदिर बिल को पास करके उन मंदिरों की जो उनकी धरोहर है उनको बचाया जा रहा है। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मैं सुंदरीलाल कोल, सेक्रेटरी पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे अक्रॉस कश्मीर वैली में लैंगथन ब्राइडस में 1460 श्राइन्स एंड टेंपल प्लेसेस है। हम उनकी प्रोटेक्शन चाहते हैं। पिछले 30 साल से हम एग्जाइल लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ। हम पिछले दशक से 10 साल से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे सैकड़ों मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है, उनकी लैंड को एनक्रोच किया गया है। हम चाहते हैं एक एक्ट बनाया जाए, जिस तरह हमारे सरदार भाइयों के लिए है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिस तरह हमारे मुसलमान भाइयों के लिए है वक्फ बोर्ड। हम चाहते हैं उसी पैटर्न पर एक श्राइन्स एंड बिल का एक्ट बनाया जाए, जो हमारे 1460 आस्था के केंद्र है, जो हमारे विश्वास के केंद्र है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे निशान है। हम चाहते हैं उनको बचाया जाए और हम चाहते हैं ये अगर ये गवर्नमेंट एक एक्ट लाए, ये ऑनरेबल गवर्नर साहब एक्ट लाए, हम चाहते हैं एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा फॉर द रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स बैक इन वैली। हम चाहते हैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपील करते हैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया से, ताकि आज तक अगर आपने इस पर गौर नहीं किया है, कश्मीरी पंडित जो 7 लाख है, जो आज एग्जाइल लाइफ गुजार रहे हैं, जो हमारी कश्मीरी हिंदुओं के आस्था के चिन्ह हैं, उनको बचाने के लिए सेम लाइन इस पर जिस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, उसी पैटर्न पर एक एक्ट लाया जाए और हमारे ये धरोहर को बचाया जाए। धन्यवाद। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह गुरुद्वारा के लिए प्रबंधक कमेटी या वक्फ बोर्ड है, इसी तरह 1460 जो उनके धार्मिक स्थल हैं कश्मीर में, उनको उन धरोहरों को कहीं ना कहीं बचाने के लिए एक ऐसा एक्ट लाया जाए, एक ऐसा बिल लाया जाए कहीं ना कहीं उन धरोहरों को जो विंडलाइज किया गया वहाँ पर उनको एक संरक्षण मिल सके। लगातार ये मांग करें प्रशासन से, सरकार से, कि जो धरोहर हैं, उनके मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, उनको बचाने का मैं सही तरीका कि कोई ना कोई ऐसा एक्ट लाया जाए जिसके अंदर वो अंतर्गत वो सारे धर्म जो 1460 धर्मस्थल आए। दर्शकों, अपने जो कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।